नमस्कार, न्यूज फॉर यू में आपका स्वागत है। आज गुड़गांव में चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ को लागू करने संबंधित विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैप्टन मनोज आईएएस शामिल हुए। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तथा स्कूल ऑफ लाइफ फाउंडेशन द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 तथा जुवेनाइल जस्टिस केस एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 आदि विषयों पर एक परिचर्चा हुई, जिसमें पुलिस एक्सपर्ट तथा स्कूल के प्रिंसिपल तथा अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि कैप्टन मनोज आईएएस ने विचार प्रकट करते हुए कहा कि कानून को सख्ताई से लागू करें ताकि क्राइम कम से कम हो। समाज में फैली इन कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता फैलाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को फायदा पहुंचे। आभार व्यक्त करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, इसके लिए विशेष तौर पर आभार करता हूं कैप्टन मनोज का, जिन्होंने कल मुझे आमंत्रित किया कि एक कार्यक्रम इस प्रकार का किया जा रहा है जिसमें बच्चों के ऊपर जो कानून बने हैं हमारे पॉक्सो के संदर्भ में, उन पर एक दिन की संगोष्ठी यहां पर आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में स्कूल ऑफ लाइफ फाउंडेशन, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उनकी टीम को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आज यहां जो ऑडियंस के तौर पर आए हैं, जिनके लिए ये कानून क्या है, उसकी बारीकियां क्या क्या हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। CWC कमेटी, CCI का स्टाफ, JJ बोर्ड के मेंबर्स, इन सब के लिए इस कानून में जो बारीक से बदलाव है, और जैसा कि अभी ज्योति जी बता रहे थे कि क्राइम के आधार पर एक इस प्रकार का क्राइम जहां DDR दर्ज होगी, एक इस प्रकार का क्राइम जहां FIR दर्ज होगी, इसकी भी बारीकियां समझनी। गुड टच बैड टच ये बहुत पुरानी सी चीजें हो गई है, कानून में बदलाव आ रहा है और किस कानून के तहत वो कौन से दायरे में आता है, इस चीज को लेकर के जब तक आप लोगों को जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसके साथ न्याय संगत बात नहीं कर पाएंगे। निर्भया के बाद इसमें बहुत से बदलाव आए, अमेंडमेंट्स हुई हैं, उस अमेंडमेंट्स के आधार पर नई नई चुनौतियां आई, नए नए कानून में प्रोविजंस आए, सजा का प्रावधान बढ़ा, दायरा बढ़ा, किस किस रूप में हमें उसको हैंडल करना है, कहां कानून पुलिस के साथ कितनी बात है, जुडिशरी में लेकर के जाना है, JJB बोर्ड के सामने आना है, और कुछ और अमेंडमेंट्स की भी बातें इसमें लगातार चल रही है, जिसमें कहा गया है कि भाई ये जो कानून बना है इसमें जो नेक्स्ट प्रोविजंस की अभी चर्चाएं चलती हैं सोसाइटी में, मैं दो तीन बातें उनकी तरफ भी लेकर के जाऊंगा। और एक जो ज्योति जी ने एग्जांपल कोट किया था, एक बच्चा ऑफेंस कर रहा है, थ्रेट कर रहा है बच्ची को, मां को, और मेल के माध्यम से, उसमें किस प्रकार के और कौन कौन से कानून का मिश्रण है, कौन सी धारा, कौन सी पुलिस की धारा के अंदर वो आता है, इन सब बातों का भी व्यवहारिक तौर पर जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस विक्टिम के साथ भी और जिसने ये ऑफेंस किया है कहीं उसके साथ ज्यादती ना हो जाए, इस चीज का भी। मुझे क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें, खत्म कहां पे करें, मुझे एक शेर याद आया मिर्जा गालिब का, रोक लो अगर गलत चले कोई, रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई, माफ कर दो, देवता बन जाओ।
यहां सत्यानाश हो गया देश का। जेल को क्या बना दिया? रेस्ट हाउस। क्यों? मैग्सेसी अवार्ड लेना है, रोटी के साथ सलाद भी होनी चाहिए, दाल है तो एक सब्जी भी होगी, उसमें नींबू क्यों नहीं निचोड़ा, हरी मिर्च कहाँ गई। ये इंस्पेक्शंस होती हैं जेल में खाने की। बारात में आई है लोग, ऐसा ही लग रहा है। ढूल साहब ने एक बात बताई, अभी जब हम भी पढ़ते थे, पुरानी बात है, 35-40-45 बरस पहले, तो पढ़ाई होती थी स्कूल में। क्यों होती थी? डराने के लिए, डर, भय। भय के बिना प्रीत नहीं है। मेरी बातें अजीब लगेंगी कुछ लोगों को, रेडिकल टाइप थोड़ी सी, आज उसके विपरीत चलन है, डाइकोटमी है ये। यहां पे आप मानेंगे इस बात को कि हम प्रीच कुछ कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कुछ कर रहे हैं, एक बात के लिए कुछ बोलेंगे, दूसरे के लिए हमारी सहूलियत सुविधा के अनुसार हम काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, डराना नहीं चाहिए, बच्चे को मारना नहीं चाहिए, वो भी मत करो, धमकाओ भी मत, मानसिक विकास रुक जाएगा, विकृति आ जाएगी, ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, फला हो जाएगा, सब बुलशिट। पुलिस क्या है भाई? तुम धमकाना नहीं चाह रही किसी को, तो पुलिस क्या है? क्यों रखी पुलिस? व्हाट इज पुलिसिंग? पुलिसिंग का मतलब क्या है? पुलिसिंग इज नॉट खाकी वर्दी टोपी डंडा पिस्तौल, दैट इज नॉट पुलिस। पुलिसिंग इज सही गलत का भेद लोगों को बताना, सही रास्ते पे चला देना, गलत पे रोक देना। रोक लो घर गलत चले कोई, अभी मैंने शेर बताया था, दिस इज पुलिस। डंडा क्यों? क्योंकि हम रुकेंगे नहीं उसके बगैर। हम वो देश हैं जो कानून बनाएंगे ट्रैफिक के लिए, लाल बत्ती पार कर दी गलत बात है, कार में बैठो बेल्ट लगा लो, मोटरसाइकिल में बैठो हेलमेट लगाना भाई, ओवर स्पीडिंग करोगे पकड़ लेंगे, गलत पार्किंग करी जुर्माना कर देंगे, कागज नहीं मिले इंपाउंड कर देंगे गाड़ी, दारू पी के चलाओगे भीतर ठोक देंगे। बना दिया कानून फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। फिर हम एक पुलिस वाले को खड़ा करते हैं चौराहे पे कि भाई मैं बेशर्म आदमी हूं, कानून तो है, मैं मानूंगा नहीं इसको, लेकिन तो तुम मेरे सिर में डंडा मारना जब मानूंगा। क्या हम किताब के मोहताज हैं? हर चीज के लिए कानून है इस देश में। चलना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, पहनना क्या है, किससे कैसा व्यवहार करना है, गलत करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपहरण कर दो, बलात्कार कर दो, कत्ल कर दो, चोरी डकैती मार पीट डंडा चाकू, चाकू मारने पे ये सजा, ये धारा, थप्पड़ मारने पे ये सजा, हर चीज है कागज पे किताब पे हर चीज। तो क्या हम कानून के मोहताज हैं? ना, नहीं। इन्फोर्समेंट के मोहताज हैं थोड़े से, 150 करोड़ का मुल्क है ये, पैराफर्नेलिया कम है, 1 लाख लोग पे सिपाही है, 50,000 लोग पे डॉक्टर है, 2 लाख पे मास्टर है, कहां से करें? लेकिन वक्त का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, विचारधारा का। मैं यहां आने से पहले मुझे कुछ एबीसीडी तो पता थी नहीं, ये टॉपिक है इसकी, तो मैंने गूगल देखना शुरू किया, कुछ 2-4 बातें सीख लूं, बोलूंगा जाके वरना बेइज्जती होगी। तो मैंने देखा उस पे दुनिया के 5 मुल्क टॉप जो चाइल्ड अब्यूज के लिए जाने जाते हैं, तो मैंने कल्पना करी कौन कौन होंगे। अफ्रीका टाइप लोग होंगे, इंडिया तो मिलेगा ही मिलेगा, सबसे घटिया चीजों में सबसे थर्ड क्लास लेवल पे इंडिया होता है हर जगह, आंख मिच के बोल देना कभी भी कोई पूछे तो। लंका मिल जाएगी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया टाइप के लोग मिलेंगे, और यूरोप अमेरिका नहीं मिलेंगे। उन्नत मुल्क है, पढ़े लिखे तरक्कीशुदा, सबसे पहले आता है साउथ अफ्रीका, शायद ऐसा ही होगा, बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है मुझे। फिर आता है जिम्बाब्वे, फिर हिंदुस्तान, फिर इंग्लैंड, और फिर अमेरिका। कर लो बात, आओ
क्या पैमाना है? हमारे जैसे टटमुजिया लोग भी वहीं, अमरीका भी वहीं, क्या भेदभाव इस पे कर दोगे? पढ़े लिखे उन्नत और डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होगा। होगा, हो रहा है, होता है, चले जा रहा है, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से चल रहा है, यहां नहीं चल रहा वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से इंडिया में। है अंतर? है अंतर कुछ? आपको, मुझे ज्ञान नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। 1950 में और 2020 में अंतर है? क्यों है? अब ये बात गूगल पे नहीं है, गूगल ने घिसी पिटी बातें बताई दो चार, वो कौन करेगा अपराध, जो अपराध करे बच्चे का जानकार मिलता है, रिश्तेदार मिलता है, जो उसके करीब होता है, पावर में लोग होते हैं, मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे लिए अलग कानून है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो मानसिक विकृति है उसको दारू पी के कर देगा नशे की झोंक में। ठीक है, सारी बातें ठीक है, किसी न किसी रॉ में बह के तो करेगा वो पेडोफाइल, बड़ो बीमार है, सबसे बड़ी बात है दे आर सिक पीपल, बीमार, बीमार का इलाज कानून भी नहीं, डंडा भी नहीं, तो लिए बैठे हो आप, कत्ल रुक गए क्या, अपहरण रुक गए क्या, डकैती रुक गई क्या, संस्कार बख्श दो अगर खता करे कोई, यहां आ गई अब छोड़ो यार, जाने दो, बड़ी सजा मिल गई, दरोगा जी दिए धारा मत लगाना यार, बर्बाद हो जाएगा परिवार, ये हो जाएगा, होने दो, होने दो, किया क्यों? जब तक वो भुगतेगा नहीं, वो सीखेगा नहीं, और इतना बड़ा डिटरेंट है ये, एक आदमी के साथ 20 लोग सीख जाएंगे। वो स्कूल में मार इसलिए पड़ती थी, और वह इसलिए जरूरी है भाई। अब आप वकालत करते हो नए टाइप की, आज बच्चों को डराओ मत, पीटो मत, मारो मत, वो विकास रुक जाएगा, तो दोगलापन नहीं चाहिए भाई। फिर पुलिस महकमे को डिसबैंड कर दो, क्यों चाहिए पुलिस तुमको, भगवान बन जाओ सब लोग वैसे ही। पढ़ते थे हम जब स्कूल में छोटे थे, वीर हकीकत राय की कहानी हमारे माँ बाप टीचर पढ़ के सुनाते थे, गुरु गोविंद सिंह के शहजादों की दीवार में चुनवा दिया पढ़ के सुनाते थे, भगत सिंह की फोटो, सुभाष चंद्र बोस की फोटो, महात्मा गांधी की फोटो दीवारों पे लगी हुई होती स्कूल में, और अच्छे अच्छे उपदेश महापुरुषों के वहां लिखे रहते थे हर क्लास में, और भावना इतनी ओवरवेलमिंग होती थी कि वो किस्सा कहानी सुनते सुनते रो देते थे, आंखों से आंसू टपका के, एक्चुअल रोना करके वैसे रो देते थे। है कहीं किसी स्कूल में बताओ, स्कूल के लोग हैं ना यहाँ पे, हैं टीचर्स प्रिंसिपल्स, कितने एक बार मुझे ऐसे करके बताएंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं है। एनीवे, तो है कहीं स्कूल में ऐसा तख्ती लिखवाते हैं क्या, तख्ती मुल्तानी मिट्टी वाली नहीं,